हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? और गाइस, मैं अभी जस्ट आई हूँ, मार्केट गई थी। मार्केट से मैंने बहुत सारा क्ले आइटम खरीदा है। क्ले आइटम जो जो मैंने लिया है उसकी वीडियो मैं कल बनाऊंगी। और एक मैं ये लेके आई हूँ, ये टूटा हुआ था गाइस पहले से ही ना। मैं इसको अगर पानी में डाल देती हूँ और जो पानी में डाल के उसके बाद जो खुशबू आती है ना, मुझे वो अच्छी लगती है। लेकिन मेरा मन करता है कि इसकी खुशबू सूंघते रहो, लेकिन मेरा खाने का मन नहीं करता। जैसे बहुत से बोलते हैं ना कि उसकी स्मेल आती है ऐसे, तो मन करता है कि जल्दी से क्रंच कर दूँ। मेरा मन नहीं करता ये खाने के लिए। मैं आपको बताऊँ, मुझे ऐसे खाने के लिए पसंद नहीं है। हाँ, खुशबू अच्छी लगती है और खुशबू तो मुझे डेली आती है, क्योंकि आपको पता है मेरा ग्राउंड फ्लोर है और ग्राउंड फ्लोर पे पर्सनल जो गार्डन है छोटे छोटे, तो उसमें मैं डेली पानी देती हूँ। तो पानी जब मैं देती हूँ, वो मिट्टी की इतनी खुशबू होती है तो अच्छा लगता है। खाने को मन नहीं करता, वहाँ मेरा बैठने का मन करता है, खड़ी हो जाती हूँ तो अच्छा लगता है। ये टूटा हुआ था, मैं टूटा हुआ लेके आई हूँ, जिससे मैंने मिट्टी का सामान लिया है। तो मैंने कहा भैया ये भी दे दो। जब मैं ये लेके आ रही थी, मेरा बेटा समझ गया कि मम्मी जरूर वीडियो बनाएगी। भैया उन्होंने तो दे दिया, लेकिन उनकी मम्मी भी बैठी थी, तो उसकी मम्मी सोची थी कि ये खाने के लिए ले जा रही है। ये देखो, उसकी मम्मी ने सोचा ये खाएगी, खाने के लिए ले रही है। तो उसने बोला चलो ले जाओ, आपका मन करा होगा। जब उसने बोला ना आपका मन करा होगा, तो मैं समझ गई कि मम्मी ये सोच रही होगी कि ये खाने के लिए लेके जा रही है। उनको नहीं पता ना मैं वीडियो बनाती हूँ, तो मैं बहुत सारा लेके आई हूँ, वो भी वीडियो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। आज कुछ नया करते हैं, ठीक है गाइस? ठीक है, अगर आपको स्मेल आए ना तो उसको इंजॉय किया करो, उसको खाया मत करो। देखो, खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप बीमार हो जाओगे, आपके पेट में इतनी सारी बीमारियां लग जाएगी और आपको पता नहीं लगेगा धीरे 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 धीरे, है ना? इतना अच्छा शरीर है, खराब हो जाएगा। इतनी सुंदर दुनिया है, उसको भी तो देखो ना यार, बाहर निकल के देखो, इन चीजों से थोड़ा सा हट के देखो, ठीक है? और दूसरा क्या बोल रही थी, हाँ, ये जो क्ले आइटम है ना, ये ना ब्लड चूस लेते हैं पूरा शरीर का ना, धीरे धीरे ना ब्लड फिनिश कर देते हैं, तो ब्लड बनता नहीं है। आजकल वो वाले ना फ्रूट ही नहीं रहे। हम लोग बोलते हैं ना अनार खाओ, चुकंदर खाओ, अनार खाओ, चुकंदर खाओ, वो बात बिल्कुल सही है, लेकिन ओरिजिनल चुकंदर नहीं मिलते, ओरिजिनल अनार नहीं मिलते, सारे मसाले में डाल के पकाते हैं, वो वाली बात नहीं। खाओ, बनता है खून, लेकिन इतना नहीं बनता, क्योंकि आजकल सब आपको पता ही है ना कैसा है, सब मसाले में। आम देखो, कच्चे तोड़ते हैं, मसाला डाल देते हैं, 2 दिन बाद वो इतने पके हुए मार्केट में जो आम है, अभी तो आम पके भी नहीं अच्छे से, और मार्केट में प्यारे प्यारे मैंगो आ रखे हैं। और गाइज, ये जो क्ले है ना, ये जिस हिसाब से वाइटी पे खा रहे हैं ना, उस हिसाब से तो ब्लड पूरा खत्म हो जाएगा, क्योंकि वाइटी पे मैंने देखा प्लेट भर भर के खा रहे हैं। भाई प्लेट भर भर के कौन खाता है यार? अब प्रेग्नेंट लेडीज को क्रेविंग होती थी, तो थोड़ा सा तोड़ ताड़ के उन्होंने मुंह में डाल लिया, वो अलग बात है, लेकिन जिस हिसाब से खा रही है ना लड़कियां, वो गलत है। चलो, ज्यादा बातें ना करते हुए तो फिर हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। आप लोग इंजॉय कीजिए मेरी वीडियो से। इससे पहले ना थोड़ा सा क्रंचस की तरह मैं खाऊंगी। क्रंचस क्या करते हैं, थोड़ा सा इस पे ना स्लेट आइटम रख के क्रंच करते हैं, तो मेरा भी मन है। ऐसे डायरेक्ट खाना मजा नहीं आ रहा, कुछ रख के खाएंगे, ठीक है? तो आप वेट करो मेरा। टैन 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 व्हाइट स्लेट आइटम। अच्छा, आप लोग बोलते हो हमें क्रंच की साउंड से क्रेविंग होती है ना? देखो, मेरे को भी ना आदत पड़ गई है अंजलि ढाकर की तरह ऐसे ऐसे करने की। मेरे बाल नहीं है यार, मेरे बाल कम है, उसके तो बहुत बड़े बड़े बाल है यार। आदत पड़ गई है मुझे भी ऐसे ऐसे करने की अंजलि ढाका की, लेकिन मैं झूठे हाथ नहीं लगाती बालों में। अभी मैंने कुछ नहीं खाया, तो बस अभी कर लिया, अब हाथ झूठे हो जाएंगे तो नहीं। और बहुत बहुत सारा मैंने तेल लगा रखा है बालों में, क्योंकि कल मंडे है ना, और इसका क्रंच करते। ये क्या है पता है आपको? बहुत क्रंची है, मैं बता रही हूँ, जिसको क्रंच साउंड अच्छी लगती है ना, क्रंची खाने को मन करता है, तो प्लीज मिट्टी मत खाओ, क्रंची आइटम बहुत है। ये देख रहे हो, ये क्या है, देख रहे हो ना, बहुत अच्छी है ये। मेरे बेटे ने एक पैकेट निकाल लिया, वो खा रहा था, तो उसने बोला मम्मी आप भी खा लो, तो मैं ये इस पे खाऊंगी, ठीक है? स्टार्ट करूँ? आप लोगों को खाना है तो आ जाओ यार मेरे पास, खाते हैं मिलके। अच्छा, मैं एक बात बोलने वाली थी, ये एक पीस खा के मैं फिर बताती हूँ। जो
जो जया पांडे है ना, आई लव क्रंच, वो पता कैसे खाती है क्ले, सपोज ये स्लेट आई ना, वो कैसे खाती है मैं बताती हूँ आपको। उसके बाल आजकल बड़े अच्छे हो रखे हैं यार, मेरे तो बाल ऐसे ही हो रहे हैं। उसकी अच्छे से एक्टिंग करके बताऊंगी किसी दिन, लेकिन वो क्ले कैसे खाती है मैं बताती हूँ। देखो, क्ले को यहाँ भर लेती है वो, और थोड़ा सा चबाएगी, फिर कट मार देगी, और फिर मुंह खाली करके फिर उसके बाद फिर भरेगी। हाँ, फिर कट मार देगी, और उसका माउथ ना पूरा नहीं खुलता, ऐसे लगता है जैसे वो जबरदस्ती खा रही हो, उसका मन नहीं है। आप उसकी वीडियो देखो, वो जब खाती है ना, वो ऐसे लगता है मेरे को कि वो जबरदस्ती खा रही है, उसका मन नहीं है, बस मुंह में भर के कट मार देती है, मुंह खाली हो जाता, फिर ऐसे खाती है, जबरदस्ती वाली बात है। और वो ना ठीक से ऐसे लगता है वो चबा भी नहीं पा रही है, उसको जैसे चबाने में दिक्कत हो रही है। देखो, खाते सब है, क्रंच सब करते हैं, लेकिन सबकी वीडियो देख के क्रेविंग नहीं होती है। किसी किसी का खाने का तरीका ऐसा है, उसकी वीडियो आप देखो ना, तो आप लोगों को क्रेविंग नहीं होगी। तो जया पांडे की वीडियो है, जिस हिसाब से वो क्ले खाती है, मुझे तो नहीं लगता कि आप लोगों को क्रेविंग होनी चाहिए, क्योंकि खाने का तरीका अलग है। और कुछ छोटे चैनल हैं जो अभी स्टार्ट हुए हैं, वो बहुत अच्छी तरह से खाते, तो उनकी वीडियो देख के क्रेविंग होती है। ऐसा नहीं है कि सबका खाने का स्टाइल अलग अलग है, ठीक है। बहुत क्रंची है गाइस, बहुत ज्यादा क्रंची। गाइस ये बहुत हार्ड है, ये दिखा रही हूँ, ये देखता हूँ। तो ठीक है गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब किसकी एक्टिंग करूँ बताओ, खाने की एक्टिंग? अंजलि ढाका है ना, अंजलि ढाका को सिल्वर बटन मिलने वाला है गाइस। अंजलि ढाका ऐसे खाती है, जैसे ऐसे दिखाई दिया आपको, ठीक है, और फिर बालों में ऐसे ऐसे हाथ मारेगी और ऐसे बाल आगे कर लेगी सारे, ठीक है, और उसके बाद जूम करके बाल आगे, और ये ना, ये जो बड़ा पीस होगा तो मुंह में देगी, और जो छोटे हो जा वो ऐसे झाड़ देती है, पता नहीं प्लेट रखी है या नीचे झाड़ती है, वो मुझे नहीं पता। और फिर बालों को वीडियो जब उनकी खत्म होने वाली होती है, तो वो करते हैं, इसका मतलब अब और नहीं खाएंगे वो, ये हो गया तो और नहीं खाएगी, ठीक है गाइस। तो फिर वो बताती हैं बहुत क्रंची क्रीमी फुल सेटिस्फेक्शन, ठीक है, अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बड़े प्यार से खाती है, बड़े क्रंची साउंड में खाती है, बालों को लहराते हुए खाती है। हमारे तो बाल ऐसे हैं, देखो गाइस, यहाँ का यहीं पे रह गया, आ ही नहीं रहा इधर,
हाथ मार मार के इनको कौन लेके जाए। ये देखो जो खड़ा बाल है वो खड़ा ही है, जो लेटा है वो लेटा ही है। क्या हो गया इन बालों में? आज वैसे भी ना इतना सारा तेल डाल दिया ना, सब चिपके पड़े हैं, देखो कैसे बाल हो गए ना। कल करूँगी शैम्पू। और क्या बोली थी गाइस, क्या बोल रही थी? गाइस चलो कुछ नहीं गाइस, गाइस आपने उसकी वीडियो देखी है प्रीतम मुल्तानी मिट्टी? बहुत अच्छी लगती है वो, बड़ा अच्छा मेकअप करती है। बहुत दिन हो गया उस पर वीडियो बनाए, बनाऊंगी जिस दिन बिंदी बिंदी लगा के पूरा ना बनाऊंगी। एक दिन बहुत अच्छी बनाती है वो वीडियो, थोड़ी सी एक्टिंग करके देखती हूँ। गाइस जाओ ये देखो, गाइस ऑनलाइन मंगाया, बहुत टेस्टी है गाइस। कोई आना चाहे मैं फटाक से इसका कंच कर देती हूँ। ठीक है गाइस, और कट मार देगी वो, छोटी वीडियो बनाती है क्ले से रिलेटेड, चटक मटक लेडीज है वो बहुत ज़्यादा। उसकी वीडियो से साफ पता लगता है कि उनको क्रेविंग नहीं होती, बस उसने ये देखा है कि क्ले से रिलेटेड और स्लेट आइटम से रिलेटेड जो वीडियो बनाने से बहुत लड़कियां पागल हो रखी है, साइको की तरह बच्चे इस वीडियो को देखते हैं। मार्केट में बहुत बुरा हाल हो रखा है मिट्टी से रिलेटेड, मिट्टी इतनी कॉस्टली मिल रही है, 500 600 300 400 रुपए किलो केजी मिट्टी दे रहे हैं ये सेलर, बहुत कॉस्टली मिट्टी मिल रही है। ये जब से हुआ है, जब से ये ऑनलाइन बेबू जी हमारी इस तरह की वीडियो बना के गई है, तब से ये सब हुआ है, सब ऑनलाइन मंगा रहे हैं क्योंकि ऑनलाइन ग्रिटी नहीं होता ना गाइज। मैं ये बताऊँ ये लोकल मार्केट का है, इसको खा नहीं सकते जल्दी से कोई, ये इतना ग्रिटी होगा, बहुत ग्रिटी होगा ये, क्योंकि ये लोकल मार्केट का है। ये एक्चुअल में वो जो क्लस होता ना उसका ढक्कन है शायद, ये टूट गया था, अब टूटा तो कोई नहीं लेगा ना। तो जो ये मिट्टी के बर्तन बेचते हैं इनका बहुत मिट्टी का आइटम टूट जाता है, ये देखो। और ये तो ऐसे ही फेंक देते हैं गाइज, ऐसे नहीं है। और देखो ऑनलाइन, देखो ऑनलाइन टूटे ब्रोकन पीस भी 300 रुपये किलो बेच देती हैं सेलर, है ना। इसलिए गाइस ये बहुत क्रंची है, मेरे को बहुत अच्छी लगती है गाइस। ये व्रत वाली चिप्स है, बहुत टेस्टी है और कितनी क्रंची है, मेरे को बहुत अच्छी लग रही है। मैं आज नहीं खाती, मैं इसको व्रत में खाती, लेकिन मेरे बेटे ने बोला मम्मी एक पैकेट तो ओपन कर ही लो, मन कर रहा है खाने के लिए, अब क्या करूं, बच्चा है उसके लिए। तो गाइज मुझे सेटिस्फेक्शन मिल गया और अब इसकी कोई खुशबू नहीं आ रही है क्योंकि ये सूख गया है, मैंने गीला किया था ना पानी से, वेट था ना, सूख गया। ठीक है, ये इतना ही टूटा हुआ है, बाकी ये सही है। तो भाई मेरा तो बिल्कुल मन नहीं है इसको खाने को, मेरी क्रेविंग दूर हो गई है और बहुत टेस्टी थी क्रंची चिप्स, बहुत अच्छी लग रही थी। और गाइज मैं एक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ, अगर आप लोगों को वाकई में ही मिट्टी की क्रेविंग होती है तो आप बहुत कम क्वांटिटी करते रहो मिट्टी की, तभी मिट्टी छोड़ पाओगे। गाइस अगर आपको मिट्टी खाने की क्रेविंग होती है तो बहुत ही थोड़ी सी मिट्टी खाओ और उसको स्वेलो ना करके क्रंच करके थूक दो, तभी आप धीरे धीरे मिट्टी खाना छोड़ोगे, नहीं तो नहीं छोड़ पाओगे। और मिट्टी ना सबसे ज़्यादा ब्लड चूसती है, ये देखो ये ना बाद में पता लगेगा, धीरे धीरे जब ब्लड कम हो जाएगा ना, और लेडीज़ को तो ब्लड की बहुत ज़रूरत पड़ती है गाइज। और अगर आप ऐसे ही मिट्टी खाते रहे ना तो अभी तो आप फिर भी मिट्टी खाना छोड़ दोगे तो आपका ब्लड बन भी जाएगा,
अनार वगैरह खाने से, लेकिन आने वाले कल में आप कुछ भी खा लेना, लेकिन ब्लड बनना बंद हो जाएगा। फिर आप मेडिसिन से ही जो ब्लड बनेगा बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। तो इसलिए बोल रही हूँ, मिट्टी खाना कम कर दो जो ज़्यादा खाती हैं, और जिन्होंने अभी तक नहीं खाई वो क्रंच साउंड की क्रेविंग से खाना चाहती है तो मत खाओ। मार्केट में क्रंची चीज़ें बहुत सारी मिलती हैं। ठीक है गाइस, तो आज मैं बहुत थक गई हूँ, तो बाय बाय गाइस। इसको खाना नहीं है, बस सूंघना है और इसको रख देना है। ठीक है, बाय बाय।